शुरुआती तौर पर ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेंस आँखों के लिए घातक तो नहीं है? घातक तो नहीं है, इसमें हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा अच्छा अगर आप जैसे सिंह साहब ने बताया एक बार अपना केयर कर सकते हैं, छोटे बच्चों पे रिलाय नहीं कर सकते। इफ़ इज़ लाइक अ किचन स्पॉन्ज जो आँखों पे बैठता है पूरा दिन, तो बच्चे अगर गंदे हाथों से उसको साफ नहीं करें वही गंदगी आँखों पे बैठेगी पूरे दिन, पीप भर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, आँख चली जा सकती है रोशनी। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए संभाल सके तो कॉन्टेक्ट लेंस पहनना उनको दे सकते हैं। और उसमें जो मरीजों की नंबर ज़्यादा है, एक किस्म में चश्मा उतर जाने का फ़ायदा है कि कॉस्मेटिकली अच्छा लगता है लेकिन क्वालिटी ऑफ विजन भी बढ़ जाती जी। जिसका नंबर चश्मे थिक चश्मे से इतनी साफ रोशनी नहीं आती क्योंकि थिक चश्मे से बिल्कुल सीधा रोशनी ठीक होती है, साइड से देखेंगे तो इतनी साफ क्वालिटी नहीं होती। तो कॉन्टेक्ट लेंस में वो भी फ़ायदा आ सकता है। और आजकल तो टीनेजर्स एंड कलर लेंसेज भी पहनते हैं आँखों के रंग बदलने के लिए, उसमें भी कलर लेंस नंबर के साथ आते हैं और नंबर के बगैर आते हैं। मतलब कुल मिला के अगर लेंस पहना जाए तो उसका बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। अच्छा, जैसे कोई कोई इस बात को मानते हैं कि ये मायोपिया पीछे से चला आ रहा है, जैसे कि अगर किसी के माता पिता को मायोपिया है तो उसको हो जाएगा, या उसके दादा दादी को है तो उसको, क्या ये है? ज़रूरी, जिनके माता पिता को है उनको मायोपिया होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा।